हेलो फ्रेंड्स, आज तक रसोई में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी चिकन करी की रेसिपी की वीडियो लेकर आई हूँ, जो आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक और 1 नींबू का रस। सारी चीज़ों को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब हम बनाना शुरू करेंगे। बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम लगभग डालेंगे 100 ग्राम सरसों का तेल। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे मिक्स खड़ा गरम मसाला और 2 से 3 तेज पत्ता। इसको हम थोड़ी देर चटकने देंगे। अब हम इसी में डालेंगे 5 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को डालकर हम इसको चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसी में डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को डालकर इसको हम अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी देर अच्छे से इसको चलाते हुए हम भूनेंगे। उसके बाद अब हम इसी में डालेंगे 4 से 5 खड़ी हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। अब हम ढक्कन लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाकर इसको चलाएंगे और इसको बिना ढक्कन लगाकर इसके पानी को अच्छे से हम सुखाएंगे। चिकन से सारा पानी अच्छे से जल चुका है, इसमें से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसको एक बार और अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला। सारे मसालों को डालकर इसको हम थोड़ी देर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। चिकन से तेल निकलना शुरू हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है और मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसी में डालेंगे पानी। पानी हमें गर्म करके ही डालना है, ठंडा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। आप चाहे तो पानी डालें या तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसी में डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक को भी डालकर इसको हम अच्छे से एक बार चलाएंगे और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाकर चिकन को फिर से चलाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसी में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। धनिया को डालकर भी इसको हम एक बार फिर से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी चिकन करी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, यह देखने में ही कितना बढ़िया और लाजवाब है, खाने में तो और भी टेस्टी और लाजवाब है। आप मेरी तरह एक बार चिकन बना के देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।